वेलकम फ्रेंड्स टू दिन कैमरा डॉट कॉम चैनल। फाइनली सोनी ने FX30 कैमरे को अनाउंस कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FX30 कैमरे को किससे परचेस करना चाहिए, एक्चुअल में FX30 कैमरे की टारगेट ऑडियंस कौन सी है। द सेकंड थिंग वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट इज द FX30 कैमरा कोर स्पेसिफिकेशन। बहुत ही ज़्यादा हम डीप कोर स्पेक्स के बारे में एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट रियली इंपॉर्टेंट टू यू, जो चीज़ें आपने जाननी जरूरी है, जो स्पेक्स के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बस मैं उन चुनिंदा स्पेक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ फाइनली इसकी प्राइस क्या रहेगी एट द एंड ऑफ द वीडियो और कब तक अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम ये बातें करते हैं कि किन्हें इन कैमरे को परचेस करना चाहिए, किससे FX30 कैमरे को परचेस करना चाहिए। दोस हु आर इनटू प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन, जो भी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए ये कैमरा बना हुआ है। सो यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम सोनी ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे अंडर 2 लाख, लेट्स रिवील द प्राइस, इट्स अंडर 2 लाख बॉडी प्राइस और 2 लाख के अंदर इसकी बॉडी प्राइस इंडिया में आएगी लगभग। सो इस प्राइस रेंज पे अगर एक प्रोफेशनल कंज्यूमर लेवल सिनेमा मिररलेस कैमरा अगर आपके पास अवेलेबल है, देन व्हाई द हेल यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द A7S3 और द A7IV और समथिंग लाइक दैट। आप हाइब्रिड्स कैमरे के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ प्रोफेशनल कंज्यूमर लेवल सिनेमा कैमरा। और ये टारगेट करा गया है प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर को, क्योंकि सिर्फ इसकी प्राइस रेंज इतनी कम नहीं, इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा कम्पैक्ट इन्होंने बनाई है कि इसे आप सिर्फ अपने स्टूडियो में नहीं, इसे आप हैंड हेल्ड लेके लिटरली व्लॉग्स भी बना सकते हो। यानी कि आप अगर लाइव व्लॉगिंग करना चाहते हो देन यू कैन डू इट विद द FX30 कैमरा। सोनी की टारगेट ऑडियंस इस बारी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है और कोई भी नहीं। सो ये निकॉन और कैनन के लिए एक बहुत ही बड़ा वेकअप कॉल है कि भैया आज की डेट में सोनी ने अपनी वो 26 MP की BSI CMOS सेंसर को लेकर एक कंज्यूमर लेवल सिनेमा मिररलेस कैमरा बना दिया है, 2 लाख के अंदर इसे उतार दिया है। अब आप क्या ही करोगे। अब FX30 के अनाउंसमेंट के बाद आई डोंट थिंक सो कि प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स इधर उधर की सोचने वाले हैं। दे विल गोइंग टू just buy this camera as soon as it become available in India. So my humble request to other camera makers too, कि आप भी कुछ एक ऐसा लाओ कि हम अपनी recommendation list में at least ला सके कि भैया ये नहीं तो ये ले लो, otherwise we have only one option. ठीक है। Now moving on to the specs part of this camera. The specs part is highly aggressive. ठीक है, ये बातें अपने समझनी। और जिन्होंने FX3 के बारे में थोड़ा बहुत मेरे वीडियोस को देखा है या नहीं देखा है, तो आप, मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि मेरे एक प्रीवियस FX3 की वीडियोस ज़रूर देखो। उससे आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि सोनी FX3 के अनाउंसमेंट के बाद किस तरह से फंस गया था। ठीक है, एक्चुअली FX3 में उन्होंने टाइम कोड फंक्शनलिटी नहीं दी थी, जिसके चलते उन्हें नेटफ्लिक्स की अप्रूवल ही नहीं मिल रही थी। सो विद द फर्मवेयर 2.0 अपडेट उन्हें ने टाइम कोड फंक्शनलिटी को एक्टिव करा था FX3 पे। और ऑफ कोर्स नॉट ओनली टाइम कोड फंक्शनलिटी, उन्होंने सिनेमा EI मोड और बाकी कई सारे अपग्रेड्स को भी सुमार करा था, उसके बाद जाके कहीं उन्हें नेटफ्लिक्स की अप्रूवल मिली। सो यहां पर भैया FX3 के साथ जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस अपना कलेक्ट करा, FX3 के साथ जो गलती करी सही करी, उस सारे एक्सपीरियंस को इन्होंने FX30 में डाल दिया, एक बहुत ही अफोर्डेबल कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरा बनाया। पोर्ट से लेके यानी कि बॉडी डिजाइन से लेके इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन तक हर एक चीज इसकी जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल लेवल सिनेमा मिररलेस कैमरा है। एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स को भी कोई भी दिक्कत होगी इसे अप्रूव करने में। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर, जो भी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इफ़ यू आर ऑल्सो वर्किंग इन कोलेबरेशन विद OTT प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, दिस इज द बेस्ट कैमरा कमिंग राइट नाउ। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल लेवल की कंटेंट हम क्रिएट करें फ्रॉम अ काइंड ऑफ ए सिनेमा कैमरा, देन ऑफकोर्स FX30 इज द आंसर। जस्ट वेट फॉर दिस कैमरा, जैसे ही आता है इंडियन मार्केट में, यू शुड ग्रैब योर यूनिट एज सून एज पॉसिबल। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी डिजाइन पार्ट ऑफ द कैमरा, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्पेक्स पार्ट। बहुत ही जल्द बॉडी डिजाइन के बारे में बात कर ले। तो वी आर गेटिंग द सेम डिजाइन दैट वी हैव सीन इन द FX3, वही डिजिटल हॉट शू, वही आपकी USB-C इनपुट पोर्ट, वही आपकी ऑडियो इनपुट आउटपुट पोर्ट, एंड अगेन वी हैव द फुल साइज HDMI पोर्ट लिटरली मिसिंग इन द कैनन्स R5 R5C कैमरास। अभी भी माइक्रो HDMI पोर्ट वो देते हैं, डोंट नो व्हाई एंड व्हाट मॉडिफिकेशन डन इन टर्म्स
टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पार्ट, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन के बारे में बातें कर लो, तो ऑफकोर्स टेली लाइट को इस बार काफ़ी खूबसूरती के साथ सोनी ने यूज़ करा है। व्हाइल यू आर रिकॉर्डिंग और वीडियोज़, यहाँ पर जो टेली लाइट्स की ग्लो है वो काफ़ी सुंदर दिखती है, एंड अदर देन दैट ये यूजुअली अपने एफएक्स 3 के जैसा ही है। नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द कोर स्पेक्स ऑफ द कैमरा। कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें करें तो वी हैव ए 26 MP BSI CMOS सेंसर। 26 MP BSI CMOS सेंसर के साथ ये है कि भैया अपने 26 BSI CMOS सेंसर को तो फ्यूजी के कैमरे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स नॉट द सेम सेंसर, इट्स अ रीडिजाइन सेंसर। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझनी होगी, एंड यू हैव टू, यहाँ पर ये कोई सुपर 35 mm सेंसर वाला कोई कैमरा नहीं है लाइक द वी हैव द C70। जो भी प्रोफेशनल फिल्म मेकर सुपर 35 mm सेंसर के कैमरे यूज़ करते हैं, दिस इज नॉट द सुपर 35 mm सेंसर कैमरा। इस प्राइस रेंज में वो FX30 जैसा कैमरा उतार रहे हैं वही बड़ी बात है, बट एटलीस्ट वी हैव टू नो भैया इसके अंदर जो सेंसर लगी ये कोई सुपर 35 mm फॉर्मेट की सेंसर नहीं, इट्स अ APS-C साइज सेंसर। और देखो मेरे दोस्त, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है कंपेयर टू सुपर 35 mm और APS-C, लिटरली स्पीकिंग जनरली दोनों सेम ही रहते हैं, बट या सुपर 35 की एक अलग अपनी वाइड लुक अलग ही रहती है। अगेन आई एम सेइंग कि कोई भी कैमरा मेकर के लिए अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं कि इतने सारे फीचर्स के साथ जो भी आपको लगेंगे फिल्म मेकिंग उसके साथ एक सुपर 35 mm सेंसर को भी ऐड कर दे इस प्राइस रेंज में, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दैट जो भी फीचर्स आपको एक सुपर 35 mm सेंसर में मिलती हैं, लगभग आपको सारी फीचर्स अपने APS-C सेंसर में भी मिल जाएंगी। सो आफ्टर सेंसर लेट्स टॉक अबाउट द शटर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक शटर मिलने वाली है, तो आप अगर फोटोग्राफर हो तो ये मत सोचना यू कैन यूज दिस कैमरा एज अ हाइब्रिड कैमरा टू। अदर देन दैट वी आर गेटिंग अ मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट इन दिस कैमरा। ऑफकोर्स मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के सपोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर हमें जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि पहले जैसे हमें कैटलॉग ब्राउज़ में पहले अपने इमेजेस को स्टेबलाइज करना पड़ता था, फिर प्रीमियर प्रो में आप इंपोर्ट करते थे, नाउ वी विल गोइंग टू हैव अ प्रीमियर प्रो प्लग इन फॉर दैट, और उसके बाद आपको ये लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना होगा। यू कैन स्टेबलाइज योर फुटेज इन प्रीमियर प्रो बाय यूजिंग द जायरो डेटा ऑफ योर कैमरा। तो ऑफ कोर्स अब जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन को आप बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो आने वाले दिनों में। लेट्स टॉक अबाउट द बेस ISO रेंज वी विल बी गेटिंग इन द FX30 कैमरा, ठीक है। स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हो, जब आप लॉक 3 यूज कर रहे हो तब आपकी बेस ISO रेंज फ्रॉम 100 टू 2500 रहेगी। जब आप SC10 यूज करोगे तब आपकी जो बेस ISO रेंज रहेगी फ्रॉम 125 टू 400, एंड व्हेन यू आर इन स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल और इन HLG मोड तब आपकी जो बेस ISO रेंज रहेगी वो फ्रॉम 100 टू 320 रहेगी। सो ऑफ कोर्स जो मैक्सिमम आपको बेस ISO रेंज मिलती है या आपके फोर्डन स्टॉप ऑफ DR वो मिलेगी लॉक 3 फॉर्मेट पे, जब आप लॉक 3 यूज कर रहे हो अपने कैमरे का। एंड अदरवाइज आफ्टर द लॉक 3 द बेस्ट गुड पिक्चर प्रोफाइल इज टू यूज टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस कैमरा इज द SC10। एंड ऑफकोर्स व्हेन यू हैव सेलेक्टेड द लॉक 3 फॉर्मेट, लॉक 3 में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, देन ऑफकोर्स आपको मेनू में अपने सिने EI एक्सपोजर इंडेक्स में 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबल ISO, फ्लेक्सिबल ISO में ISO आपकी फ्लेक्सिबल रहने वाली एज इन द मोड। द सेकंड वन इज द क्विक EI मोड, क्विक एक्सपोजर इंडेक्स मोड, एंड द थर्ड वन इज द बेस द स्टैंडर्ड EI मोड। द बेस्ट इज टू कीप द क्विक EI मोड और क्विक EI एक्सपोजर इंडेक्स मोड में आपकी जो बेस ISO रहती है लॉक प्रोफाइल में, जब आप शूटिंग कर रहे हो तो कैमरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू हैव। सो ऑफकोर्स इट्स रिकमेंडेड जब भी आप लॉक प्रोफाइल्स पर शूट कर रहे हो You should use the quick EI mode. Now let's talk about the auto focusing system of the camera. अगर हम mechanical AF points के बारे में बात करें, then Sony has fabricated 495 AF zones in this particular sensor, which covers approximately 95% screen area. But literally, Sony की जो advanced AI AF tracking है, artificial intelligence AF tracking, बहुत बहुत ज़्यादा उम्दा है, और उसे आप कहीं AF points के numbers के अंदर कैद मत करो। इसके ऊपर मैंने एक dedicated video बना रखी है कि भैया stop counting the number of AF points फ्रॉम नाउ, क्योंकि अब जो है AI AF का कंट्रोल है, जितनी उम्दा AI AF यूज़ होगी किसी भी कैमरे के अंदर उतनी ज़्यादा और उतनी अपस्केल्ड उसकी ट्रैकिंग परफॉर्मेंस रहेगी। एंड अनडाउटेबली FX30 के बारे में क्या ही बात करें, स्पेसिफिकली हम ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो चलो भैया अब तो बात हो गई ऑटो फोकसिंग की, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो रेजोल्यूशन की। कोडेक्स यहाँ पर आप 4K अप टू 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पर आपकी 26 MP की सेंसर की जो रेजोल्यूशन है उसके हर एक पिक्सल
को, इंटायर पिक्सल को फुल सेंसर रीड आउट मोड पर ले जाके एक ओवर सैम्पल्ड फाइल को क्रिएट कर रहा है अपना एफएक्स 30 कैमरा, और वो ओवर सैम्पल्ड फाइल जो क्रिएट हो रही है उससे हाईली डिटेल्ड 4K फाइल्स को कैमरा बनाता है और आपको देता है। नाउ यू कैन रिकॉर्ड 4K 24 FPS 30 FPS विदाउट एनी क्रॉप, ठीक है, कोई भी क्रॉप नहीं लगने वाला टेक्निकली। बट जब आप 4K 60 FPS पे जाते हो अपने एफएक्स 30 कैमरे के साथ, देन यू हैव टू फेस अ लिटिल बिट क्रॉप, बट वो अननोटिसेबल रहने वाला, क्योंकि वो क्रॉप रहेगा 1.04x का। सो ये क्रॉप आप लिटरली नोटिस भी नहीं कर पाओगे, बट क्योंकि ये क्रॉप उस समय लगना शुरू हो जाता है तो इसलिए मुझे बताना जरूरी है आपको। एंड व्हेन यू आर सेटिंग योरसेल्फ टू 4K 120 FPS मोड, उस वक्त यहाँ पर आपके कैमरे में लगता है 1.6x का क्रॉप, जो कि ऑफकोर्स नोटिसेबल है। एंड अगेन either you are shooting in 4K 24 FPS or 4K 120 FPS, आप किसी भी फ्रेम रेट में 10-bit इंटरनल अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको और भी ज़्यादा हायर फ्रेम रेट्स चाहिए, देन यू कैन रिकॉर्ड फुल HD वीडियोस एट द रेट ऑफ 240 फ्रेम्स पर सेकेंड, और उसमें कोई भी क्रॉप आपको नहीं लगने वाला है। जो भी FX 30 के अंदर इस वक्त आपको सिने एक्सपोजर मोड, सिने एक्सपोजर इंडेक्स मोड कहना सही रहेगा, वो दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली अपने FX 3 के फिर में 2.0 अपडेट से आ रहे हैं। ऑफकोर्स ये सारी अपडेट को सोनी ने फिर में 2.0 जब उन्होंने डाला था FX 3 में तब लोड करा था, वो सारी फीचर जैसे मैंने कहा शुरुआत में इस वीडियो को, वो सारी फीचर्स को एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम में ही FX 30 में उन्होंने लोड कर दिया है। और नॉट ओनली द फीचर्स दैट वी हैव सीन इन द FX 3 कैमरा, अपने A7IV की भी जो फीचर्स है लाइक द फोकस मैपिंग, द ब्रीदिंग कंपनसेशन, इसे भी ऐड करा गया है अपने FX 30 कैमरा में। ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी हैव द मैकेनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, तो आप ये कहो कि द गुडनेस ऑफ द A7IV, द गुडनेस ऑफ द FX 3 कैमरा आफ्टर द फर्मवेयर 2.0 अपडेट, ये सारी चीजों को मिक्स करके इन्होंने FX 30 बनाया। वन मोर थिंग वी हैव इन द FX 30 कैमरा कि यहाँ पर जस्ट लाइक द पिक्चर प्रोफाइल्स वी हैव, आप अपने कस्टमाइज लट्स को अपलोड कर सकते हो, एंड इवन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग यू कैन इंप्लीमेंट दोज, और इवन वंस द रिकॉर्डिंग इज डन यू कैन इंप्लीमेंट दोज लट्स इन योर रिकॉर्डेड फाइल्स। ऑफकोर्स एक बहुत ही नई अप्रोच है, और आपने अगर क्विक एडिटिंग करना है अपने स्टाइल अपने तरीके की, क्विक एडिट वीडियोस निकालनी है, सब प्रोसेस करके अपलोड करना है, ऑफकोर्स कंटेंट क्रिएटर्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है, सो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर सोनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ये फीचर्स अपने कैमरे के अंदर डाले हैं। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि भैया अपना FX 30 कैमरा केपेबल है 16-bit की वीडियोज HDMI के थ्रू आउट करने में। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, भैया प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात कर ले तो ऑफकोर्स इसकी ग्लोबल रिलीज जो है ग्लोबल शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी 24 अक्टूबर से। सो इंडिया में हम इसे ऑफकोर्स नवंबर इंडिया दिसंबर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ जाएगा, बट हाँ अगर इसकी डिमांड नॉर्मलाइज रहती, क्योंकि जिस तरह का कैमरा है जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है 2 लाख की रेंज में, ऑफकोर्स मुझे लगता है कि इसकी जो डिमांड है वेस्टर्न रीजन में भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा डिमांड हुई तो ऑफकोर्स एशियन रीजन में सोनी इसे डिले कर सकता है। सो दीज आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द FX 30 कैमरा। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज़ एंड रिव्यूज।